आई एम सचिन तेंदुलकर, दिस इज माई स्टोरी। आज हम आपको बताएंगे 5 साल से लेकर 16 साल तक के सचिन का पूरा सफर। आज हम देख रहे हैं सचिन का अवतार, एक बच्चा कैसे बना 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का भगवान। ये सचिन का बाल अवतार है, घुंघराले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। कैसे हुआ ये सब, आज आप सुन रहे हैं सचू के सचिन बनने की चमत्कारी कहानी। कैसे सचिन ने पहली बार बल्ला थामा, कैसे बैट बन गया सचिन की जिंदगी का हिस्सा, सचिन के बचपन की जिंदगी का हर पन्ना आज खुल रहा है। सचिन की असामान्य, अद्भुत, अकल्पनीय कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। बांद्रा पश्चिम के कलानगर इलाके के साहित्य सहवास सोसाइटी में बिल्डिंग उषाकाल 4th मंजिल 7 नंबर का फ्लैट, यहीं जन्म हुआ सचिन तेंदुलकर का। एक आम हिंदुस्तानी मिडिल क्लास परिवार की तरह ही सचिन तेंदुलकर का परिवार था। पिता रमेश तेंदुलकर मराठी के प्रोफेसर थे, किताबें लिखना उनका शौक था, लेकिन उनकी सबसे बेहतरीन रचना सचिन तेंदुलकर ही है। भाई अजीत, नितिन, बहन सविताई, इन सब में सबसे छोटे थे सचिन तेंदुलकर। माँ ने बड़े ही प्यार से उनका नाम सच्चू रखा था। माँ के लाडले सच्चू ने यही 5 साल की उम्र में अपना सबसे पहला बल्ला थामा। आज भी पड़ोसी सचिन के बचपन की कहानियाँ, उनके किस्से अपने बच्चों को सुनाया करते हैं। उनको काफी लगाव था क्रिकेट से, बचपन से वो यहाँ खेलते थे बाकी सारे बच्चों के साथ, हमारा लड़का भी उसके साथ खेलता था, तो उन लड़कों में से तो वो चैंपियन था। इतना आगे निकल जाएगा इसकी उम्मीद तो उस वक्त नहीं की गई थी, क्योंकि हम उसे जानते थे, उनके पिताश्री प्रोफेसर तेंदुलकर उनका लड़का, इस नाते से उसे जानते थे, पर उसने काफ़ी वो बाद में तरक्की कर दी। पाँच साल के सचिन का बस एक ही शौक था, क्रिकेट, क्रिकेट और बस क्रिकेट। सचिन अपने पुराने घर के मैदान पर दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे और अपने से बड़ी उम्र के बच्चों की गेंदों पर बड़े बड़े छक्के लगाया करते थे, जिसे देखकर उनके भाई अजीत भी हैरत में पड़ जाते थे। अजीत खुद पुराने क्रिकेटर थे और उन्हें अपने भाई की काबिलियत का अंदाजा होने लगा था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि अपने भाई की काबिलियत को निखारने के लिए एक अच्छे कोच की जरूरत है। और उस समय अजीत के मन में जो नाम आया वो नाम था महाराष्ट्र के द्रोणाचार्य रमाकांत आचरेकर का। साहित्य सहवास में मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा और हर एक पल मेरे दोस्तों के साथ एक स्पेशल पल था, और वहीं पे क्रिकेट शुरू हुआ। टेनिस बॉल से वहीं पे हमने खिड़कियाँ कांचे वगैरह तोड़ी, और काफ़ी बार गाड़ी पे भी जो डेंट्स पड़ते वो हमारी वजह से हो रहे थे। सब इकट्ठा आके, अलग अलग एज ग्रुप आके खेलते थे वहाँ पे, तो माहौल काफ़ी अच्छा होता था। और वहीं पे क्रिकेट खेलना सीखा पहले, जो क्रिकेट के लिए जो पैशन थी वहीं पे ग्रो हुई दोस्तों के साथ खेलते खेलते, तो वो दिन नहीं कभी भूल सकता। 1984 की एक सुबह अजीत अपने छोटे भाई 11 साल के सचिन को लेकर इसी शिवाजी पार्क के ग्राउंड में पहुंचे, जहां रमाकांत आचरेकर बच्चों को क्रिकेट की ABCD सिखा रहे थे। अजीत ने रमाकांत आचरेकर से सचिन को अपने कोचिंग क्लब में शामिल कर लेने की गुजारिश की। जब अजीत और रमाकांत आचरेकर आपस में बातें कर रहे थे, सचिन टकटकी लगाए दूर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते बच्चों को देख रहा था, और उसी दिन से सचिन की आंखों में क्रिकेटर बनने का ख्वाब पलने लगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले दिन रमाकांत आचरेकर ने सचिन से बल्लेबाजी बिल्कुल भी नहीं कराई, क्योंकि उसके पहले सचिन ने कभी भी लेदर बॉल से क्रिकेट नहीं खेला था। लेकिन उसी दिन शिवाजी पार्क से वापस लौटते वक्त सचिन ने अपने भाई अजीत से कह दिया कि वो बाकी बल्लेबाजों से बेहतर खेल सकते हैं। ये था 11 साल के सचिन का आत्मविश्वास। रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर को तराशना शुरू कर दिया था। आचरेकर सर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की बारीकियां सिखा रहे थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खटकती थी और वो था सचिन तेंदुलकर का बैट पकड़ने का अंदाज। दरअसल सचिन तेंदुलकर बैट को कुछ यूं बिल्कुल नीचे से पकड़ा करते थे, जिसे क्रिकेट की भाषा में बॉटम हैंड ग्रिप कहा जाता है।
सचिन को इस बॉटम हैंड ग्रिप की आदत कैसे पड़ी, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल जब सचिन तेंदुलकर छोटे थे, 5-6 साल के, उस वक्त तो अपने बड़े भाई अजीत के बैट से खेला करते थे। अब सचिन बहुत छोटे थे, बैट बहुत बड़ा, इसलिए सचिन को मजबूरन बैट को नीचे से पकड़ना पड़ता था और यही आदत उनकी बरकरार रही। लेकिन कोच आचरेकर को ही लगता था कि इस तरीके से बैट पकड़कर ताकतवर शॉट्स नहीं खेले जा सकते, इसीलिए उन्होंने सचिन की ग्रिप बदलवा दी। लेकिन सचिन तेंदुलकर अपनी नई ग्रिप के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए। उन्होंने फिर अपने कोच से दरखास्त की और वापस लौट आए अपनी इसी बॉटम हैंड ग्रिप पर। और आपको हम बता दें कि सचिन तेंदुलकर आज तक इसी ग्रिप के साथ खेलते हैं। आचरेकर सर की शागिर्दी में सचिन 2 हफ्तों से घंटों प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिस का वक्त नहीं था, असली परीक्षा का वक्त आ चला था। रमाकांत आचरेकर जहां रहते थे वहां के एक टीम को अपनी टीम से मैच के लिए बुलाया। सचिन भी इस टीम में शामिल थे। 50-50 ओवर के इस मैच से पहले छोटा सचिन रात भर नहीं सोया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों रन बनाने वाले सचिन अपने पहले 2 मैच में कितने रन बनाए? 0। जी हाँ, सचिन अपने पहले 2 मैच में खाता भी न खोल सके थे, लेकिन तीसरे मैच में 51, 38 और 45 रन की पारी खेलकर सचिन ने रमाकांत आचरेकर का विश्वास जीत लिया। आचरेकर ने उन्हें अपनी टीम कामत मेमोरियल में शामिल कर लिया और नंबर 4 पर सचिन वहां बल्लेबाजी करने लगे। यह 1984 की बात है। सचिन इसके बाद 50 रन की कई पारियां खेले, लेकिन और भी रन बना सकते थे सचिन, लेकिन उस समय 50 रन के बाद बल्लेबाज को रिटायर कर दिया जाता था ताकि दूसरे बल्लेबाज को मौका मिले। नन्हे सचिन अपनी सभी पारियों का रिकॉर्ड एक डायरी में लिखा करते थे। आज यह डायरी खो चुकी है। अगर यह डायरी मिल जाए तो शायद नन्हे सचिन के कई रिकॉर्ड बाहर निकल आए। और आपकी पहली मुलाकात उनसे कहाँ हुई थी? हमारे आचरेकर सर के नेट्स पे ही हुई थी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, एक साथ कर रहे थे। तब मैं 4 साल सीनियर था हमारे स्कूल का, उनके स्कूल में आया था। तब मैं स्कूल से निकल गया था शादश्रम, बट आचरेकर सर के नेट पे ही प्रैक्टिस सेशन के तब हुई थी। रमाकांत आचरेकर अपने हर शिष्य पर काफी ध्यान दिया करते थे। उनके लिए उनके सारे शिष्य एक जैसे थे, सिर्फ सचिन को छोड़कर। एक गुरु ही समझ सकता है कि उसके किस शिष्य में कितनी काबिलियत है। सचिन की बल्लेबाजी में और निखार आए उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। नेट प्रैक्टिस के दौरान वो 1 रुपए का सिक्का स्टंप्स पर रख दिया करते थे और अपने हर शिष्य को वो कहते थे कि जो सचिन को आउट करेगा उसको 1 रुपए का सिक्का मिलेगा। उन दोनों 1 रुपए का कुछ मतलब होता था, यकीन मानिए। हर शाम को सचिन खुद ही 1 रुपए का सिक्का लेकर घर जाया करते थे। दरअसल सचिन को कोई आउट ही नहीं कर पाता था। सचिन ने आज करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन खुद सचिन का कहना है कि ये जो सिक्के उन्होंने उस समय कमाए थे ये अभी तक उनके पास हैं और ये उनके लिए सबसे अनमोल खजाना है। I am Sachin Tendulkar. This is my story. My coach used to put a 1 rupee coin on top of the stump. Whoever gets him out gets to take away the coin. All you are thinking of is smacking that ball. I've got 12 coins, as valuable as any medal I've received in my life. सचिन तेंदुलकर दादर के शारदाश्रम स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्या आपको पता है सचिन का सबसे पहला स्कूल यह है, बांद्रा का इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का न्यू इंग्लिश स्कूल। लेकिन उस जमाने में यहाँ पर क्रिकेट का बढ़िया ग्राउंड और अच्छा कोच नहीं होता था। रमाकांत आचरेकर दादर के शारदाश्रम स्कूल में क्रिकेट की कोचिंग करते थे। उन्होंने सचिन के पिताजी को कहा कि सचिन के एडमिशन दादर के शारदाश्रम में किए जाए ताकि सचिन के ऊपर वो अच्छे से ध्यान दे सके। घर वालों ने फैसला सचिन के ऊपर छोड़ा, लेकिन सचिन के लिए यह आसान बात नहीं थी क्योंकि ये स्कूल सचिन के घर के बिल्कुल पास था। तो दादर के शारदाश्रम स्कूल जाने के लिए सचिन को 2 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। सचिन के सारे दोस्त भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्रिकेट के लिए हर एक तकलीफ को उठाने की सचिन ने ठान जो ली थी। जब उन्हें देखा कि सचिन जैसे खिलाड़ी एक आईएएस स्कूल में पढ़ रहा है, तो उन्हें सचिन के पापा के साथ बात की कि देखिए सचिन को आगे लाना है, सचिन के पास सब कुछ है, सचिन के पास टैलेंट है, टेम्परामेंट है, क्योंकि खेलने के लिए जो चाहिए किन्नेस वो भी है, और ऐसे महान खिलाड़ी जो करना है सचिन को, तो मुझे लगता है कि उनकी स्कूल चेंज करनी होगी जैसे हमारी शारदाश्रम है। मेरा एक्चुअल क्रिकेट शुरू हुआ 11-11.5 साल का था, तब शुरू हुआ। और उस समय मेरा भाई मुझे आचरेकर सर के पास लेके गया था, तो वो जो
तीन चार साल सर के साथ बिताए तो वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट साल थे मेरे लिए, क्योंकि वहीं पे सारी डेवलपमेंट हो रही थी मेरी और मेरे सारे मैचेस सर देखते थे। बहुत बार पेड़ों के पीछे छुप के भी देखते थे कि ताकि प्लेयरों को पता ना लगे कि सर मैच देख रहे हैं, मगर सर सारे पॉइंट्स नोट करते थे और मैच के बाद हमें ज़रूर पता चले हमारी गलतियाँ। तो गलतियाँ सुधार सुधार के काफ़ी फ़र्क पड़ा गेम पे।